सो गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है वेकेंट बैट किचन। सो आज हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि फाइनली सागर पाँच छः दिन के बाद वो आ रहा है घर। आज आप लोग को उसका कमी महसूस नहीं हुआ क्योंकि हम लोग उसका वीडियोस डालते रहे, तो आप लोग को उसका कमी महसूस नहीं हुआ, बट मेरे को उसका कमी महसूस हुआ। बट आज ये वीडियो आप लोग एंड तक देखना, क्यों? क्योंकि सरप्राइज है कि आखिर सागरों का रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि उन लोग फूड चैलेंज में खुद को रिप्रेजेंट करने गया था कोरिया में। सो उधर में फूड चैलेंज हुआ जो कि बहुत ही अच्छा हुआ। सो आपको रिजल्ट एंड में पता चलेगा, सो एंड तक बने रहो। लेकिन आज हम उसका वेलकम करने वाले हैं और उसको हम एयरपोर्ट में रिसीव करने जाने वाले हैं, सरप्राइज, जो कि सागर को आइडिया नहीं है। उससे हम अपडेट लेते रह रहे हैं वो कैसे आएगा क्या। सो अभी शाम के जैसे कि 6 बज चुके हैं पर अभी तक मेरे को कोई अपडेट नहीं मिला। मेरे को पता नहीं कहीं मेरा पोपट ना हो जाए, हम सरप्राइज देने की जगह वही घर पे ना पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत चंट आदमी है। कि अगर कोई अपडेट आएगा तो आपको तो ज़रूर बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, बट अभी हम एक्साइटेड हैं। टाइम देख रहे हैं। तो चलो मुस्कान, रेडी हो? इसमें से वो निकलता है क्या, गोल गोल वाला निकलता है क्या इसमें से? ना हाँ, मतलब वो नहीं निकलता ना वो। सो बैलून्स लगा रही है मुस्कान और हम लोग ने कुछ हल्का फुल्का सरप्राइज प्लान किया है। सो मुस्कान तो एक्साइटेड हो बहुत, अभी देखते हैं। लेकिन कोई अपडेट नहीं मिल रहा, रात का 8 बज चुका, 8 से ऊपर हो रहा है ना, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला। अभी पता नहीं यार उन लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। पता चला कि उन लोग घर डायरेक्ट पहुंच गए, बट डायरेक्ट तो नहीं पहुंचेंगे, एटलीस्ट दिल्ली आने के बाद तो फ़ोन उसका ऑन हो ही जाएगा। कैब बुक करेंगे उसके लिए, कम से कम फ़ोन तो ऑन करेंगे ही, नोटिफिकेशन तो आएगा ही, सब कुछ आएगा। पता नहीं, देखते अभी क्या चालू है। 9 बजे तक वेट करते क्योंकि सागर मेरे को बोला था कि शायद 9:20 का फ्लाइट है उसका दिल्ली से मुंबई, तो अभी 9 बजे तक तो वेट करते हैं। अब पता नहीं क्या सीन है। भाई इतना मेहनत हम अपने कॉलेज के टाइम पे नहीं किए थे जितना मेहनत हम इस आदमी के लिए कर रहे हैं। वेलकम जो है वो हैंडमेड किया है। सो अभी हम लोग उसको गेट के पास लगाएंगे और ये हम लोग सब किए, आई होप ही लव इट। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और मुस्कान रेडी नहीं हुई है क्योंकि मुस्कान को इधर ही रहने दे रहे हैं। और अभी जस्ट मेरे को अपडेट आया, बस 5 मिनट पहले आया कि हम दिल्ली के फ्लाइट में चढ़ चुके हैं, सुप्रिया टेक ऑफ करने वाला है मुंबई के लिए। सो मेरे पास अभी और 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा लगता है दिल्ली से मुंबई आने को, 1.5-2 घंटा लगता है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हम और विशाखा। सो मुस्कान इधर ही रहेगी और मुस्कान तुमको कॉल करते रहेंगे, तुम जैसा हम बोले वैसा करते रहना, ठीक है ना? जैसा प्लान बोले वैसे ही करना, थोड़ा एक्टिव हो जा बहन प्लीज। तो चलो इधर हम लोग ने रोजेस ले लिया है। अभी तक उन लोग का कुछ पता नहीं कि कभी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, हम लोग लगता बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ गए, तो अभी एक कॉफ़ी पीते थोड़ा, पता नहीं यार कब भी आएंगे। अभी ऑलमोस्ट उन लोग लैंड कर गए हैं और अभी बज रहे 1, मतलब 2 घंटा हम लोग उसका वेट किए 2 घंटा। और अभी शायद मेरे को ऐसा लगा बात करने से कि उन लोग को थोड़ा बहुत हिंट है और नहीं भी है, तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। भाई अभी हम लोग लोगों को लेने जा रहे हैं, एक गाड़ी ऑलरेडी आगे जा चुका है और उन लोगों को मे भी पता नहीं हिंट गया है कि नहीं गया, अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि उन लोग शायद डाउट में है कि सुप्रिया और विशाखा आई है और डाउट में होंगे मेरे ख्याल से। अभी देखते हैं रिएक्शन, और ऐसे हम छुप के बैठे हुए उनको रिएक्शन देखना है। अभी वेट कर करके थक गए, इधर उधर को भूल रहे, रात के 2 बज चुके हैं। 2 बज रहे हैं कि 3 बज रहे हैं? नहीं नहीं 2 बज रहे। दो सॉरी सॉरी लगा क्या? नहीं 2 बज रहे हैं। तो अभी खाते हैं यार, फिर उसके बाद मिलते हैं उन लोग से। उन लोग को डाउट था बट अब उन लोग का डाउट चला गया कि हम लोग नहीं आए, तो अभी बीच रास्ते में उन लोग को धप्पा बोलेंगे। तो अभी शायद प्लान मेरा थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि सागर को लेने के लिए दूसरा गाड़ी आगे जा चुका है, तो हम चाहते हैं कि उसको ये डाउट ना हो कि हम लोग, तो अभी हम लोग उसको आधे रास्ते में मिलेंगे, मतलब एयरपोर्ट से हम लोग सिर्फ घूम करके आए, अभी आधे रास्ते में सागर लोग से सडनली गाड़ी में मिलेंगे।
कि हम लोग आए, क्योंकि उसको लग रहा है कि हम लोग नहीं आए, सिर्फ एक ही गाड़ी आया, बट हम लोग दूसरे गाड़ी में, तो अभी हम लोग उसको आधे रास्ते में मिलते हैं, देखते हैं। मैं अभी पूछ ही रहा था मुस्लिम का क्या हुआ। चला। अच्छा दूसरा गाड़ी, तुम लोग तो करोड़पति है बाबा। ये ले तेल ले। थैंक यू। फ्लैश देख कितना बड़ा फ्लैश है। ये अभी तेरे लिए। मैं वही बोल रहा हूँ, इन लोग किससे बात कर रहे हैं इतना? कितना मोटा हो गया। इधर मोटा हो गया आपका। नहीं रे। बराबर है। I love you. संकेत भैया दूसरे गाड़ी में पीछे और सागर आ गया, तो सागर को वेलकम कर रहे हैं। रात के 3 बजे। ये देख तो। वाह 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 वाह। क्या लिखा है? वाह वाह वाह। अच्छा इंडिया कोरिया फ्लैग। अरे वाह। वेलकम बैक टू होम। थैंक यू। रात के 3 बजे सब आवाज होते थे फट। सो सागर वहां पे कंपटीशन जीता है, फर्स्ट आया। जैसे पापा बोलते हैं मेरी प्यारी प्रिया, वैसे मेरी प्यारी सुप्रिया। और बहुत कुछ प्लानिंग किए थे, बट क्या हुआ कि अभी रात के 4 बज गए हैं। और किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि वो करे, क्योंकि दिन भर टायर्ड, और इन लोग भी 12 घंटा ट्रेवल किया है, सो इन लोग भी टायर्ड हो चुका है और बहुत ज्यादा डेसी हो गया। मतलब यार तेरे को पता, हम लोग ने इतना गाड़ी घुमाया ना इन लोगों को सरप्राइज देने के लिए, हम लोग पूरा वो जोगेश्वरी और वो जगह पूरा गोल गोल घुमा रहे हैं इन लोगों को सरप्राइज देने के लिए। इधर का एयरपोर्ट का लफड़ा है बहुत। चलो कोई बात नहीं, बट तेरे को सरप्राइज कैसा लगा? एकदम मस्त, बढ़िया। सच में बढ़िया। यू फील प्राउड? यस प्राउड कि तुमको ऐसी अच्छी वाइफ मिली। यस। सो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो आज का बहुत पसंद आएगा। सो वीडियो को प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने अब तक वीकेंड मेड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो आप लोगों को वो वीडियो चाहिए। अभी सागर क्या कोरिया से लाया है हमारे लिए? कुछ लाया भी है कि नहीं लाया? ना लाया, सबके लिए लाया, तो वो आप लोग को दिखाएंगे। सो प्लीज आप लोग कमेंट्स करो आप लोग को वो वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, फटाफट कमेंट्स करो, तो वो वीडियो भी आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। सो बाय।